इस सब में विवेक को प्लीज इन्वॉल्व मत करो। प्लीज कादम्बरी प्लीज, मुझे कम से कम बस एक बार उससे बात कर लेने दो, और अगर वो मना करता है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पलट के एक बार भी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। पर फिर और कुछ नहीं, मैं सब हैंडल करूंगा, ये उसके और मेरे बीच की बात है, तुम बस एक बार हाँ कह दो। पहले तुम बताओ, तुम मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे ना? 100% हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कादम्बरी, और इतना ही नहीं, मैं तो मिसेस खुराना को भी अरेस्ट करवाऊंगा। अगर क्राइम उसने किया है तो जेल भी वही जानी चाहिए। ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है कादम्बरी, इसे पढ़ लेना प्लीज। सुबह जो तुमने जागृति के साथ किया है ना, उसके बाद से वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, अंदर ही है बेचारी। क्या हुआ मॉम, इतनी स्ट्रेस्ड क्यों लग रही हो? नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, वही होगा उसके बॉस का मैसेज, हम तो उसके बॉस के बंदर बन गए हैं ना। वो कहता है किसी को मार दो तो हम मार देते हैं, वो कहता है डांस करो तो हम डांस करते हैं, अब क्या कहा है तुम्हारे बॉस ने? एक और एक्सीडेंट। आर यू मैड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? पानी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मैं अपनी दी को जस्टिस दिलाना चाहती हूँ। प्यांच भी जेल में है, जाएगा तो पता नहीं वो कहाँ है। पानी, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं हेल्प मांग सकती हूँ। पानी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? डोंट वरी जागृति, हम लोग हैं ना, हम लोग मिलके सब कुछ हैंडल कर लेंगे, प्लीज तुम स्ट्रेस मत लो। और इनफैक्ट बाय टुमारो मैं पर्सनली सब कुछ देखूंगी। आई कांट इमेजिन, ये औरत मेरी दी से इतनी नफरत करती थी। जागृति, मैंने कहा ना इतना मत सोचो तुम, ये सब बातें यहाँ पे मत करो, ये लोग अभी भी इसी घर में हैं, एंड वी कांट ट्रस्ट देम, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, आगे कुछ भी करने से पहले मुझे जरूर बताना, जस्ट इन्फॉर्म मी। बानी, आई एम सॉरी, जब मुझे तुम्हारे और जय के अफेयर के बारे में पता चला तब मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, आई एम सॉरी। हॉनेस्टली स्पीकिंग, मेरा और जय का कभी अफेयर था ही नहीं, मैंने आराधना से झूठ कहा क्योंकि जय ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था। क्या जय ने? जय ने, और ये रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा कि मैं आराधना को सच नहीं बता पाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, किसका एक्सीडेंट और कौन है आपका बॉस? मैं तुम लोगों को नहीं बता सकती कि बॉस कौन है, बस इतना बता सकती हूँ कि बॉस का सबसे बड़ा दुश्मन रियांश है, और वो अब रियांश को हर्ट करना चाहता है, उसके पेरेंट्स को हर्ट करके, वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स को मार दें। हाँ, अगर वरुण हेल्प कर दे तो पॉसिबल है। नो नो मॉम, दिस इज हॉरिबल, हम कोई गैंगस्टर थोड़ा है। वरुण 90 लाख, वो सिर्फ तुम्हें देने को तैयार है। मेरा मतलब है गैंगस्टर नहीं तो क्या हुआ, काम तो कर ही सकते हैं, वैसे कब करना है? This is disgusting. मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम बस रेडी रहना, ये बस फाइनल गेम है, आखिरी चाल, इसके बाद हम इस सारे मेस से बाहर हो जाएंगे। आखिरी चाल? क्या करने वाले ये लोग? पता नहीं, पर हमें जल्द से जल्द इन लोगों पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। और जागृति, जागृति, वो तुम्हारी बहन का चौथा कैसे था? प्रेयर तो किया होगा ना तुमने? पता है, मैंने तो बहुत प्रे किया, रियली।
इतना प्रे किया कि वो तो मेरे सपने में ही आ गई और मैंने सपने में देखा कि मैं उसके ऊपर चादर डाल रही हूँ और मैंने उसको बहुत आराम से सुला दिया। तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है, समझ नहीं आता कि किसी का फोन चेक नहीं करते, किसी के मैसेजेस नहीं देखते। So dumb and sick you are. ओ हेलो मैडम, तुम मुझे मैनर्स मत सिखाओ, उल्टा शर्म कर लो। तुम्हारी बहन मर गई है, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और तुम यहाँ चिट चैट कर रही हो, डेट्स पे जा रही हो। ओ, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। जागृति, तुमने भी दो दो फंसाए होंगे ना, एक अमीर और एक बहुत ज्यादा अमीर। I'm sure, mom. You know ना, जैसे इस धरती का शेप गोल है, वैसे अपने कर्मा का भी शेप गोल है। सो हम जो करते हैं ना, वो वापस हम तक आ ही जाता है। यू टर्न लेके। और आंटी, आपने आज तक जो भी बुरे काम किए ना, उसका हिसाब आपको यहीं और इसी लाइफ टाइम में देना है। I hope अगले एक साल के अंदर आपको आपके कर्मों का फल मिल जाए। तुम अपनी बकवास बंद करोगी? मतलब कुछ भी बोलती रहती हो। सच बोल रही हूँ आंटी मैं। और एक और बात, आप तो हमसे नफरत करते हैं ना, तो अब तक यहीं पड़े इसी घर में। अरे निकल क्यों नहीं जाते आप लोग? और अगर आप कहे तो मैं धक्के मार के निकाल दूँ। मारो मारो ना। 5 फुट की भी हाइट नहीं है तुम्हारी, लेकिन एटीट्यूड देखो बिग बी के हाइट का है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस सो कॉल्ड आलीशान घर में रहने का हमें शौक है? बिल्कुल नहीं, हम भी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएंगे, समझी? तो मैं रहने भी नहीं दूंगी आपको। ट्रस्ट मी, मैं कुछ ऐसा करूंगी ना कि आपको और आपकी फैमिली को ना धक्के मार के फेंक दिया जाएगा। लो, ये खुद ही निकल गई। बताओ मॉम, इस शॉडी का भी बॉयफ्रेंड है और यहाँ मुझे कोई नहीं मिल रहा है। क्या बॉयफ्रेंड? कम ऑन मॉम, गर्लफ्रेंड। ओ किसका फोन है? मेरे बॉस का फोन है। तुम तो ऐसी बातें करते हो ना जैसा मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैं ऐसी के साथ कोई अफेयर करेगा भी कैसे? कुछ कहा तुमने? मैं ये कह रहा था कि ये आखिर तुम्हारा बॉस है कौन? ना कभी उसकी आवाज सुनी है, ना कभी उसका चेहरा देखा है। तुम्हें सब पता है आकाश, पर मैं कैसे बताऊं कि मेरा बॉस कभी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। हेलो, यस बॉस। व्हाट यस बॉस? कल जब तुम यहाँ से निकली थी तो दरवाजा लॉक किया था क्या? मैंने तुमसे कहा था कि दरवाजा लॉक करके निकलना, तुमने किया। एक छोटा सा काम तुम्हें कहा था करने के लिए, लेकिन नहीं कर सकती, अक्कल कहाँ है तुम्हारे पास? यू नो आराधना यहाँ से भाग गई है तुम्हारी लापरवाही की वजह से। डू यू इवन रियलाइज कि क्या किया है तुमने? वो बहुत ही स्मार्ट लड़की है, यहाँ से निकलेगी तो सीधा तुम्हारे पास आएगी तुम्हारी चीड़फाड़ करने। तुम तो जानती हो मैंने ये पूरा चक्र भी रचा है। मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन तुम, यू आर फिनिश्ड, यू आर डन। और अपने पति को भी बोल देना कि वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि आराधना अब एक घायल शेरनी है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ नीता, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सब मैंने सब बर्बाद कर दिया। अरे बताओगी भी हुआ क्या है? ओह गॉड, आई एम श्योर वो कभी भी यहाँ पे आ जाएगी, मैं क्या करूँ? मॉम मैं जाके खोलता हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल मत दरवाजा खोलना। क्या हुआ मॉम? अरे ऐसा भी कौन आया है? आराधना आई होगी। What? क्या? I'm sure आराधना होगी बाहर। You know नीता, you've completely lost the plot. कुछ भी बोले जा रही हो। मॉम, आराधना जा चुकी है। She is dead. मैं खोलता हूँ। आजी, मैंने तुझे कहा ना,
मैंने पूछ तो सही कौन है। दरवाजा खोलिए मिसेस खुराना, हमें सब ठीक करना है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.